नमस्कार, मेरा नाम है जिया और आप देखें चैनल द विवरण। दिल्ली के चुनावी मौसम में आज हम आए हैं चांदनी चौक के आप उम्मीदवार श्री पलहार जी के निवास स्थान पर। आइए उनसे बात करते हैं और जानेंगे उनकी राय अपकमिंग इलेक्शंस के बारे में। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल द विवरण में। कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनता आपसे पूछना चाहेंगे, तो द विवरण के माध्यम से हम आपसे वो पूछना चाहेंगे। आप अपने शुरुआती दौर के बारे में कुछ बताएंगे कि हाउ यू स्टार्टेड ऑफ विद पॉलिटिक्स, आप यहाँ कैसे आए, व्हाट ऑल हैपेंड? पहले मैं यूथ कांग्रेस में इंटरेस्ट लिया, उसके बाद इस तरह का शौक पड़ गया। जी, आ जी, गया 77 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था यहाँ से। 997 में। ओके, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू शिफ्ट फ्रॉम कांग्रेस से, आपने ऐसा शिफ्ट क्यों किया? इसमें मैडम सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कांग्रेस जो है डूबती जा रही थी। सबसे बड़ा वजन यह था कि एक साल कांग्रेस का प्रेसिडेंट दिल्ली ना होना, और मेरा मतलब है जैसे ये तो कोई लॉटरी तो निकलनी नहीं होती, डेढ़ साल कांग्रेस का प्रेसिडेंट ना हो और अच्छे अच्छे एमएलए जो मिनिस्टर रहे हों, 12-14 का ग्रुप इसलिए तैयार होगा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, जो डेवलपमेंट शीला जी ने की थी, जो उनके डेथ के बाद अब ये उसी को ही कह रहे हैं बार बार, जो शीला जी के काम है उन्हीं के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, विकास कार्य वही हुए। तो पहले मारने में भी तो यही लोग थे। शीला जी मरी क्यों? शीला जी को मरने का सबसे बड़ा अगर कसूर जाता है पीसी चाको पे जाता है, पीसी चाको पे जाता है, माकन पे जाता है, लवली पे जाता है। इन लोगों ने उनको मारा स्लो पॉइजन देके। रोज़ कोई ना कोई प्लानिंग करते थे उनके खिलाफ, और वो उनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने में तो आप ये देखो, उनकी डेथ के बाद जो भी लोग उनके और लोग जाते रहे, और केजरीवाल साहब की तरफ से जितनी फैसिलिटी देनी शुरू हुई है, जितना लोगों का गरीब लोगों के नज़दीक पहुंचे हैं और लोगों में उनका डंका बजना शुरू हुआ है, मैं उन्हीं की इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस छोड़कर उसमें। जो आप कह रहे हैं फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ जी, फैसिलिटीज़ के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, 2000 लीटर पानी फ्री करना, 200 लीटर बिजली फ्री, वेमेन ट्रांसपोर्टेशन में सुधार लाना, तो लोगों में ऐसा कन्फ्यूजन है कि राजनीति की वजह से कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गए हैं, कि या फिर इट वॉज जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट? मैडम, राजनीति तो राजनीति है, जो ये पार्टियाँ राजनीति के लिए होती हैं और किसके लिए होती हैं? जी जी, पार्टी मंदिर में जाके पूजा करने के लिए तो नहीं होती, पार्टी राजनीति के लिए होती हैं। तो राजनीति तो होती है हर जगह पर। अब ये राजनीति की बात आप आम पार्टी कर रही है, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं जो फैसिलिटी उन्होंने दे रहे हैं हम उनसे 5 गुना देंगे। जी जी, चोपड़ा साहब का बयान है और उसका हरी साहब का बयान है, 5 गुना देंगे। 5 गुना का मतलब पता क्या हुआ? 200 यूनिट बिजली आप पार्टी दे रही है तो वो 1000 यूनिट देंगे। दिल्ली में 95% लोग 1000 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मीटर वीटर की ज़रूरत क्या? कंपनियाँ बंद करो, मैकेनिक बुलाओ, तार डालो उसके ऊपर अपना खींच लो, कनेक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं, कोई सेंक्शन करने की ज़रूरत नहीं, सबको लोगों को कह दो डायरेक्ट बिजली फ्री है, अपने आप खींच लो, अपने कोई मीटर सेंक्शन कराने की ज़रूरत नहीं, बिजली दफ्तर बंद कर दो। तो ये पॉसिबल है कुछ चीज़ देना? आप ये देखो ना, 200 यूनिट केजरीवाल साहब ने दिए। आप अपनी किसी सरकार पर जिसमें कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है, 100 यूनिट तो दिखाओ करके, 100 यूनिट नहीं कर सकते। अच्छा, आप जो चुनाव ये जो सर पे हैं, तो आप कैसी पॉलिसीज लेना आना चाहते हैं आपके थ्रू टू द वेलफेयर ऑफ द स्टेट? क्या क्या पॉलिसीज आपने सोच रखी है इन द अपकमिंग आफ्टर द अपकमिंग इलेक्शंस? देखो, मैं तकरीबन 4 दफ़ा चुनाव जीता हूँ यहाँ से असेंबली का, और मेरे को चांदनी चौक के विकास के बारे में सब कुछ पता है, कहाँ रुकी हुई है बात, कहाँ चल रही है, और जो मेरे विकास के कार्य थे जो मैंने किए थे उसको भी ब्रेक लग गई, क्योंकि हमारी विधायिका जी तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमना भी नहीं पसंद करती थी, और 4.5 साल से वो 1 दफ़ा नहीं आई। या एक काम ये बता दें कि किसी गली का मैंने ये काम करवा दिया। इवन दैट जो फंड मिलते थे
वो फंड ही बचे पड़े हैं, लैप्स हो गए। 6 करोड़ रुपया फंड इनका लैप्स हो गया, 5 करोड़ 97 लाख रुपया। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। अगर जैसे भारत रत्न मिलना हो तो सबसे बड़ा झूठा कोई आदमी हो तो अलका जी होंगी, उससे अलावा कोई नहीं होंगी। बहुत बड़ा नारा मार रही है, मेरे कैमरे 4000 कैमरे मेरे कमरे में रख कर इन्होंने उठवा लिए हैं, मैंने अपने विधायक फंड से लिए थे। तो विधायक फंड की तो लिस्ट है, जिसने कोई 5 लाख रुपया भी दिया हो तो वहाँ से रहता है। 1 रुपया भी किसी 70 के 70 MLA में से विधायक फंड से नहीं आया। और सारी दिल्ली के 70 MLA को 2000 कैमरे लाट हुए, तो इनको 4000 क्यों? देखो ना, ये तो केजरीवाल साहब की बुराई कर रही है, केजरीवाल से लड़ाई थी तो केजरीवाल इन साहब को 4000 देगा, दूसरों को 2000 देगा। तो अब ये कह रही है केजरीवाल साहब ने कोई दिया नहीं, मेरे कमरे से कैमरे उठवा के ले गए, कैमरे लग रहे। आज दिल्ली के अंदर तकरीबन मेरे वार्ड में ही 1000 से ऊपर कैमरा लग चुका है। तो कैसे लग गया? अब जब थोड़ा बहुत कोई इंटरेस्ट ले केजरीवाल साहब को प्रेस किया तो केजरीवाल साहब करा रहे हैं ये प्रॉब्लम। आपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कुछ बताएंगे, चांदनी चौक के बारे में, जिससे आप चांदनी चौक में सबसे पहले जब मैं आया था तो पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने उस पानी की प्रॉब्लम को 95% क्लियर कर दिया था। हमारे यहाँ ट्यूबवेल भी हैं जामा मस्जिद पे, पानी पीने का भी है। और मेरे को उम्मीद है कि हमें पानी की थोड़ी बहुत जो कमी है उसको दूर करना पड़ेगा, सीवरेज सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारे मैनू टेला में पार्क और पार्किंग की बहुत ज़बरदस्त समस्या है, वहाँ कुछ पार्किंग पार्क पड़े हैं, कुछ जगह ऐसी पड़ी हैं डिसमेंटल टाइप जगह है, उनमें हम लोग पार्किंग और पार्क देने की बात करेंगे। राइट, ये जो देश में मुद्दे चल रहे हैं आजकल, NRC, NPR एंड जो कैब की वजह से जो भी आंदोलन चल रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं ये कहता हूँ आंदोलन आंदोलन के नाम से चल रहा है, इलेक्शन में उसका कोई असर नहीं। जहाँ भी जाएँ, और अगर चाहे आपको मौका मिले तो आप जामा मस्जिद जा कर देखें, कहीं भी केजरीवाल से अलावा किसी का नाम नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि BJP और कांग्रेस का नाम लेवा भी वहाँ कोई नहीं बचेगा। आज की पोजीशन ये है, जहाँ एजिटेशन वगैरह मुसलमान भाई कर रहे हैं और मुसलमान डायरेक्ट वोट जो है आप पार्टी को देने को तैयार हैं, तो इसका मतलब मुद्दा कौन सा रह गया? रिसेंटली श्री केजरीवाल जी ने 10 पॉइंट का गारंटी कार्ड निकाला था कि यमुना क्लीन कराएंगे हम, फ्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, लाइक डू यू थिंक कि ये सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे आफ्टर इलेक्शन? बट केजरीवाल साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, जो नाले जमुना जी पे करते हैं उनको वहीं का वहीं रोक के प्योरीफाई करके इसमें डालें। दूसरी चीज़ यह है, केजरीवाल साहब ने मध्य प्रदेश से पानी खरीदा है, उससे मध्य प्रदेश से उससे क्या है पहाड़ी से पानी खरीदा है, और उसमें सबसे बड़ी स्कीम जो करने जा रहे हैं पानी फ्री तो किया ही किया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल विवरण। 24 घंटे पानी मिलेगा, और 24 घंटे भी पानी वो RO वगैरह कंपनियां बंद हो जाएंगी, आप जाएं अपना टूटी पे मुंह लगाएं पानी पी लें, इतना प्योर पानी होगा। तो मेरा कहने का मतलब केजरीवाल साहब के बराबर फैसिलिटी कोई सरकार नहीं दे सकती। बिजली के 200 यूनिट दिल्ली क्या, हिंदुस्तान क्या, वर्ल्ड में कहीं नहीं फ्री दी हो, तो इस तरह पानी फ्री वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो ये फैसिलिटी देना बहुत बड़ी चीज़ है। आज केजरीवाल साहब का मैं तो ये कहूँगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो उनका डंका बहर है, हम लोगों ने जो काम किए थे हमारे कामों के बाद था, मगर एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है जनता पे, और जनता अपनी तरफ से जो बोल रही है, तो हमारे यहाँ 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, बिजली फ्री, और उसके पैसे हमारे यहाँ तो बिजली पानी दोनों फ्री है। छोटी कॉलोनी है जिसमें छोटे मकान है, तो पानी भी फ्री है तो बिजली भी फ्री है, तो इसलिए जनता केजरीवाल साहब को बोल नहीं सकती। आपको आज तक राजनीति पे कितना प्यार मिला है, लाइक राजनीति से कितना प्यार मिला है आपको? मैं तो कहूँगा प्यार जितना मेरे को मेंबर रहते नहीं मिला, उससे ज़्यादा मिल रहा। अच्छा, उससे ज़्यादा मिल रहा। हमारे माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जनता को कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी फैसिलिटी और एक अच्छी ईमानदार सरकार चल रही है, मौका मिस ना करें, सिवाय केजरीवाल के किसी और को वोट ना दें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर गरीब आदमियों के लिए, खास करके बच्चों के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी हेल्थ सेवाएं लेनी है, और मुफ्त बिजली लेनी है, पानी लेना है, तो
तो सिवाय केजरीवाल के किसी को न दें। धन्यवाद हमसे बात करने का। और ये थी हमारी बातचीत श्री प्रहलाद जी के साथ, और हमने जाना कि क्या है उनकी राय अपकमिंग इलेक्शंस के बारे में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल द विवरण। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।